नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूँ रजनी अनुपम। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। माछिल सेक्टर में गश्त के दौरान खाई में गिरने से 3 जवानों की गई जान, जीसीओ भी शामिल। राहुल गांधी के तपस्वी और पुजारी वाले बयान पर जम्मू में साधु समाज का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दीपिका रजावत ने कश्मीर में बढ़ते नशे पर जताई चिंता, प्रशासन पर उठाए सवाल। चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार, पर इसके लिए केंद्र से नहीं मांगेंगे भीख, कहा उमर अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर गश्त के दौरान गहरी खाई में गिरने से एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी JCO सहित 3 जवानों की मौत हो गई। सेना ने बुधवार को ये जानकारी दी। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि JCO और अन्य 2 जवान माछिल सेक्टर में नियमित गश्त कर रहे थे, इस बीच वह खाई में जा गिरे। श्रीनगर स्थित चिनार कोर्ट ने ट्वीट में कहा कि एक नियमित ऑपरेशन के दौरान एक JCO और 2 अन्य जवानों का दल बर्फबारी के चलते गहरी खाई में फिसल गया। तीनों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के तपस्वी और पुजारी वाले बयान पर संतों ने राहुल पर हमला बोला है। करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है जबकि बीजेपी पूजा का संगठन है। इस पर आज जम्मू में साधु समाज ने प्रदर्शन किया। साधु समाज ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी। साधु समाज ने कहा कि वो राहुल गांधी से जानना चाहते हैं कि तपस्वियों में और साधु संतों में क्या अंतर है। आपकी नज़रों में तपस्वी कौन है और साधु संत कौन है? साधु संत का अर्थ ही तपस्या होता है, ऋषियों का अर्थ ही तपस्या होता है। राहुल गांधी को ब्रह्मी सेवन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म को तोड़ने का आगाज, भारतवर्ष को तोड़ने का आगाज जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसका संत समाज विरोध करता है। पहले राहुल जी गांधी जी को यह मालूम होना चाहिए कि तपस्वी कौन है, इसमें भेद का मालूम होना चाहिए। जो तपस्वी है और जो पुजारी है, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। जो तपस्वी है वो तप करता है निज इच्छा के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, समाज के लिए, और जो पुजारी होता है वो मीराबाई थी, पुजारी रसकान हुए हैं जो भगवान किसी नित्य। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में, पिछले 70 सालों से भारत को तोड़ने का, सनातन धर्म को का ही काम किया है, और वही राहुल गांधी आज जो भारत जोड़ो आंदोलन लेकर चले हैं, वो भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, वो भारत तोड़ो आंदोलन है। और सनातन धर्म के तोड़ने की बात राहुल गांधी करता है, उसका संत समाज घोर विरोध करता है। और राहुल गांधी को एक चेतावनी भी देता है कि अपने पूर्वजों से कुछ सीखे, उनसे शिक्षा ले। आज वो विचारधारा कहाँ खड़ी है? भारत को तोड़ने का, सनातन धर्म को तोड़ने का जो काम परंपरा से लेके चले आ रहे हैं वो छोड़ दें और संत समाज से माफी मांगे, शायद भविष्य में कुछ बन जाए। सरकार की नीति कर दिया कि तपस्वी और भारती, भैया पहले भेदों को पढ़ो, पहले हिंदू संस्कृति को पढ़ो, सनातन धर्म को जानो कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म जोड़ने का काम है, सनातन धर्म। कांग्रेस नेता दीपिका रजावत ने कश्मीर में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर चिंता जताई। एक पत्रकार वार्ता के दौरान दीपिका ने कहा कि अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें ये पाया गया कि पंजाब के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा नशा है। उन्होंने प्रशासन से लेकर इसे लेकर सवाल किए कि इस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है। उन्होंने कहा कि इस समय देश का भविष्य नशे में डूबता जा रहा है और इस मामले में प्रशासन को कार्यवाही करने की जरूरत है। It, what measures are taken? This is something very serious. मैं जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड रेज दिस इश्यू, क्योंकि हमारे बच्चे, आर चिल्ड्रन आर बिकमिंग ड्रग एडिक्ट एंड दिस कैन नॉट बी बाईपास
दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, दिस हैज टू बी टेकन अप सीरियसली, लेट यूडी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जेकेपीसीसी टुडे होल्ड्स यूडी एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल फॉर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ड्रग्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्यों हमारे बॉर्डर्स टाइट नहीं है, कहां से ड्रग आता है, क्यों इस पे विजिलेंस नहीं है? जम्मू कश्मीर में ड्रग कहां से सप्लाई होता है? अगर हमारे बॉर्डर्स टाइट है तो ड्रग कहां से आ रहा है? क्या ड्रग मैन्युफैक्चर हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है या ड्रग जो है वो बॉर्डर से आ रहा है? क्यों जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या क्यों जम्मू कश्मीर के जो कंसर्न अथॉरिटी है या फिर हम पुलिस की बात करें, व्हाई दिस इज नॉट टेकन अप सीरियसली? सो टुडे बाय होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज हाईलाइट दिस क्योंकि अगर आज किसी बच्चे के मुंह लगी है ड्रग्स तो कल हमारे बच्चों के मुंह भी लग सकती है, कल हमारे बच्चे भी इस ड्रग्स का विक्टिम हो सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील दिस इज अबो एवरी पॉलिटिकल इशू. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू टुडे दैट दिस न्यूज़पेपर, दिस स्टोरी विच हैज रिवील्ड कि कश्मीर जो है वो उड़ता कश्मीर बन रहा है, तो क्यों ना उस पर इमीडिएट मेजर्स. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है लेकिन वह केंद्र के सामने इसके लिए भीख नहीं मांगेंगे. अगर इस साल चुनाव नहीं होते तो ना हो. वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीडीजी सदस्यों को बंदूकें देना सरकार की मजबूरी बन गई है और इससे जाहिर होता है कि प्रदेश के हालात पर सरकार का नियंत्रण नहीं है. अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर इस साल चुनाव नहीं होते हैं तो ना हो, हम भिखारी नहीं है. मैंने बार बार कहा है कि कश्मीरी भिखारी नहीं है. चुनाव हमारा अधिकार है लेकिन हम इस अधिकार के लिए केंद्र सरकार से भीख नहीं मांगेंगे. वे हमारे लिए चुनाव बहाल करना चाहते हैं तो अच्छा, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते तो ठीक. वो जानते हैं कि चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी वो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएगी, जबकि भाजपा सिर्फ लोगों को जख्म देना जानते हैं. कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए. 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा. लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है. जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इकदाम उठाने जो इनकी मजबूरी बन गई है. नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी. हम भिखारी नहीं हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी कश्मीरी भिखारी नहीं हैं. इलेक्शन हमारा हक है लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे. हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे. इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें. हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे. तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं. ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज्यादा तंग करना. जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं, इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी. प्रदेश में शीतलहर जारी है, हर तरफ कोहरा अपना कहराम मचाए हुए है, लोग ठंड के कारण ठिठुर रहे हैं. इसी के अंतर्गत कठुआ में भी घना कोहरा देखने को मिला और शीतलहर से लोग काफी परेशान है, इसके लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि ठंड से बचने का प्रयास करें. वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. सर्दी से तो बचेंगे ही लेकिन धुएं की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, खासकर जब अंदर हम बैठते हैं, सारे इकट्ठे बैठते हैं, दरवाजे वगैरह बारी बंद कर लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है. तीसरा वहाँ जो सबसे अहम बात है वो है आगजनी की. तो पहाड़ी इलाकों में जैसे बनी में पीछे देखा था आपने, तो उससे भी काफ़ी खतरा बढ़ जाता है, उससे भी जान को माल को नुकसान होता है, तो उसकी भी आप थोड़ी सी चिंता करें. तीसरा है कि जिसको भी ज़्यादा तकलीफ है, अगर कोई ऑलरेडी दवाई खा रहा है सांस की तकलीफ की, तो वो डॉक्टर को चेकअप कराए, बगैर दवाई ना लें, अपने आप को पहले बचाएं,
डॉक्टर से चेकअप करवाएं और एक टाइम की जितनी भी डोज है वो खासकर लेना ज़रूरी है। सर्दी में बीमारियाँ खासकर ये खांसी वगैरह के जो काम की जो बढ़ जाती हैं, सांस की तकलीफें बढ़ जाती हैं, साथ साथ में सर्दी की वजह से सेंट्रलाइज ब्लड सप्लाई होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी मैं यही चाहता हूँ कि नमक का प्रयोग कम करें, साथ में नॉर्मल जो वॉकिंग एक्सरसाइज सुबह शाम करते थे वो अंदर ही करें, दवाई बराबर लेते रहें। तो जो भी दवाई खा रहे हैं एज़ पर फिजिशियन एज़ पर डॉक्टर कंसल्टेशन वो खाते रहें, उससे आई थिंक हम काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। युवा के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि सड़कों पर कम निकलें, कि कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, विजिबिलिटी बहुत ही पुअर है, 100 मीटर से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जितने भी युवा हैं मोटरसाइकिल खासकर जो चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, देर रात या कम से कम दिन में बहुत ही कम निकलें, और निकलें भी तो हेलमेट डाल के निकलें, कम से कम एक्सीडेंट वगैरह हों और उससे जान भी बचेगी, ओवरऑल वैसे भी प्रोटेक्शन होगी। विस्तार निदेशालय स्कॉस्ट के ने आज ग्रामीण युवाओं के लिए 3 कौशल विकास कार्यक्रमों, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा के उद्घाटन और 30 के समापन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन नंद रेशी ऑडिटोरियम स्कॉस्ट कश्मीर में किया गया। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू इस मौके पर मुख्य तौर पर मौजूद थे और प्रोफेसर नज़ीर ए गनई कुलपति स्कॉस्ट के ने समारोह की अध्यक्षता की। कुलपति प्रोफेसर नज़ीर ए गनी ने प्रशिक्षुओं और इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अवगत कराते हुए युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने में इन कौशल प्रशिक्षणों की ज़रूरत और महत्व पर प्रकाश डाला। वो माशरे के इक्तिसादी हालात इम्प्रूव हो और रोज़गार भी मिले और ओवरऑल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारे लोगों की बेहतर हो सके, उसमें ऐसे इकदाम बहुत अहम हैं और मैं उम्मीद रखूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे इकदाम और भी उठाए जाएंगे। मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस यूनिवर्सिटी की जो तरक्की है, जो इसकी स्टीप एक मीटियोरिक राइज हो रही है, पूरे मुल्क में इसका शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो नाम बन रहा है, जो शोहरत बन रही है, ये हम सब के लिए एक काबिल फ़ख्र एहसास है। देखिए, यूथ आइकॉन मैं समझता नहीं हूँ खुद को, एक पब्लिक सर्वेंट हूँ। मैं पूरी नदामत के साथ विथ ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमांड इस एजाज़ को एक बहुत ही बड़ा एजाज़ समझ के नदामत के साथ कबूल करता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि इस एजाज़ पे पूरा उतर सकूँ और वो टाइम और वो दिलचस्पी दे सकूँ इधर आके। मैं यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी है उनके साथ वो टाइम शेयर कर सकूँ और एक तबादले ख्याल हो जिससे मैं भी कुछ सीख सकूँ और शायद मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक लाइफ में, शायद उसको भी मैं शेयर कर सकूँ स्टूडेंट्स के साथ। स्मार्ट सिटी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक जनरल कंप्लेंट है कि पेस ऑफ वर्क स्लो है, एक हकीकत है कि हमारा वर्क कल्चर स्लो है। ना मैं किसी ऑफिसर को डिफेंड कर रहा हूँ, ना डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी में मेरा और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर का बहुत ही एक लिमिटेड एडवाइजरी रोल है, हमारा सुपरवाइजरी एग्जीक्यूटिव रोल उसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। बट लीडरशिप डिमांड्स कि रियलिस्टिकली जो ऑफिसर्स मेहनत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो। यहाँ का वर्क कल्चर भी थोड़ा स्लो है, थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी, हमारा वर्किंग सीजन भी लिमिटेड है। बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, स्मार्ट सिटी में, श्रीनगर स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट्स अभी लिए गए हैं, वो शालीमार का हो, फोरशोर का हो, सिटी सेंटर करनगर का हो, बटमालू का हो, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हो, या इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो हो, जो HMT में बना है, ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारी कारकर्दगी स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में किसी और स्मार्ट सिटी से कम है। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है और मुझे पूरा यकीन है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
सीमा सुरक्षा बल की खुफिया जानकारी के आधार पर वर्ष 2022 में सहयोगी सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में अलग अलग ऑपरेशनों में 20 आतंकियों को मार गिराया। इनमें 10 स्थानीय और 10 विदेशी दहशतगर्द शामिल हैं। इसके अलावा 2 आतंकियों व 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भारी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए। जब्त हथियारों में AK सीरीज की 24 राइफलें, M सीरीज की 2 राइफलें, 20 रिवाल्वर व पिस्तौल, 27 हैंड ग्रेनेड, 2 किलोग्राम विस्फोटक IED व 2500 कारतूस के साथ 11 किलोग्राम नारकोटिक्स जौसा पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा BSF नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में आबादी के कौशल विकास में सक्रिय है। वह इलाके में निशुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, बर्फीले क्षेत्रों में नागरिक रोगियों की निकासी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को एक और झटका मिला। पूर्व MLC निजामुद्दीन खटाना सहित 2 और नेताओं ने उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को अलविदा कह दिया। सूत्रों की माने तो DAP के महासचिव रह चुके पूर्व MLC निजामुद्दीन खटाना और गुलजार अहमद ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं ने पार्टी की बुनियादी सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिसंबर में गुलाम नबी आजाद ने पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ताराचंद सहित 17 नेताओं ने हाल ही में दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए आएंगे। इस दौरान वह राजौरी के गांव डांगरी का दौरा भी करेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदेश भाजपा के नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में उनसे चर्चा की। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में कहा कि राजौरी के डांगरी में आतंकी हमले के दूसरे दिन हुए धमाके की चूक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। केंद्र सरकार डांगरी में हुए आतंकी हमले पर व्यापक नजर बनाए हुए है। हाल ही में सरकार की तरफ से क्षेत्र में CRPF की अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं। इसके साथ ही सीमांत क्षेत्र में एक बार फिर BDC विलेज डिफेंस कमेटी को सक्रिय किया जा रहा है ताकि आतंकवाद की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। राजौरी जिले के डांगरी गांव में हुए दोहरे आतंकी हमले के बाद शरारती तत्व और आतंकी समर्थक राजौरी व पुंछ जिलों में आपसी सौहार्द और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले रविवार रात पुंछ के बेंच गांव में हिंदुओं के 3 घरों पर पथराव हुआ। इसके बाद सोमवार देर शाम राजौरी के डन्नीधार गांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों पर पत्थर बरसाए गए। सोमवार रात को ही पुंछ जिले के मगनाड़ गांव में अब सिख समुदाय के घर पर भी पत्थरबाजी हुई है। इस बीच एक अन्य घटना में राजौरी जिले के कालाकोट में भाजपा ST मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष वकार चौधरी ने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनके अपहरण का प्रयास किया। पुलिस ने संबंध में पड़ताल शुरू कर दी है। इन सभी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए राजौरी व पुंछ जिलों में गश्त बढ़ा दी गई है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।